हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी की 10 की 10 सीटों पर तैयारी है और विधानसभा की 90 की 90 पे तैयारी है। पंजाब के अंदर भी 13 के 13 पे तैयारी है। दिल्ली के अंदर की 7 के 7 पे तैयारी है। चंडीगढ़ की 1 पे तैयारी है। तो तैयारी तो सबकी होती है और जब भी मजबूत है आपस में तभी गठबंधन की बात हुई कि वोट ना बदले गठबंधन हो जाए। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है क्योंकि पंजाब की टीम को भरोसा है कि आम आदमी पार्टी 13 जीत रही है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि हम 90 के 90 विधानसभा की जीतेंगे और 10 के 10 लोकसभा अच्छे तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं ये कह रहा हूं ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। हर पार्टी की लोकल टीम अपने आप को मजबूत बताती है। मैं सब वही बता रहा हूं कि ये जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो बैठेगा। लोकल अगर स्टेट की टीमों से पूछेंगे तो हर जगह यही लैंग्वेज आएंगे। तो फिर बीजेपी का क्या पाएगा अगर अलायंस ही नहीं चल पाएगा आधे देश में? नहीं, अलायंस होगा, अच्छा अलायंस होगा, परंतु ये उस अलायंस के अंदर क्षेत्रीय टीम नहीं बैठने वाली है। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व वो बैठेगा, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व वो बैठेगा, वो हमारा फीडबैक लेंगे। हमने अपना फीडबैक दे दिया कि हम कमजोर नहीं है, हम मजबूत है। 3-4 बैठकें हो चुकी है, परंतु क्योंकि पूरे देश का मसला है, इतनी सीटों का मसला है, तो एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। 4 महीने में 1.5 लाख से ऊपर पदाधिकारी बने हैं। अगर 5-7 छोड़ भी गए तो क्या फर्क पड़ता है जी? आम आदमी पार्टी ना आम व्यक्ति को ही बड़ा व्यक्ति बनाती है। आप पंजाब में देखो, एक मोबाइल रिपेयर करने वाले लाभ सिंह ने मुख्यमंत्री को हराया था। चंडीगढ़ में देखो, एक ढाबे वाले ने मेयर को हराया था। दिल्ली में देखो, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले ने उनके मंत्री को हराया था। तो आम आदमी पार्टी आम व्यक्तियों को बड़ा व्यक्ति बनाती है। जो सो कॉल्ड बड़े व्यक्ति हैं जिनका मेहनत करने की आदत नहीं रही, तो वो फाइनल डेस्टिनेशन उनको चुनना है। अशोक जी की आप बात कर रहे हो, पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, तृणमूल में गए, तृणमूल छोड़ के हमारे पास आए। जब हमारे पास थे तो बीजेपी को बलात्कारी पार्टी बताया करते, अत्याचारी पार्टी बताया करते, संदीप सिंह को हटाने के लिए घेराव की बात करते थे, ब्रजभूषण शरण को हटाने के लिए पहलवानों के साथ थे, किसानों पर जब इनके मंत्री ने गाड़ी चढ़ाई तो किसानों के साथ थे, युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा खट्टर साहब के विरोध में थे। तो मैं कह रहा हूं इसलिए बड़े नेताओं की बात तो बड़े ही जाने।